क्यों मालती अंदर नहीं आओगी?
एक कप चाय तो पीजा। नहीं मंजू, मैं बेवक चाय नहीं पीती। अच्छा सुनो, बीए तो पास कर लिया, आगे क्या करने का विचार? करना क्या है, किसी नौकरी की तलाश है। मैंने तो इसीलिए शॉर्ट हैंड और टाइपराइटिंग भी सीख लिया है। अच्छा, तो मैं शहर वापस जाते ही पिताजी से कह के तुम्हें अपने मुंह में ही काम दिला दूंगी। सच मंजू, तू पास हो गई बेटी? हाँ माँ। माँ, ये मेरी क्लासमेट मालती है, मेरी पक्की फ्रेंड है। रंगपुर में इसके पिताजी की बहुत बड़ी मिल है। नमस्ते माता जी। अच्छा मंजू, मैं चली। अच्छा माता। कहीं जाना है? आप नहीं, मुझे रिक्शा वाला चाहिए। तो मैं हूँ रिक्शा वाला। आप जी? हाँ, बैठिए बैठिए ना। कहाँ जाना है आपने? मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी। क्या है डॉक्टर? मेरी माँ बेहोश हो गई है, आप जरा घर चलिए। एट दिस टाइम मैं विजिट के 10 रुपए लेता हूँ। 10 रुपए? और क्या, ये खैराती अस्पताल नहीं है। यू मस्ट रियलाइज दैट बिफोर डिस्टर्बिंग मी। एंड यू टू मस्ट रियलाइज इट डॉक्टर, दैट योर ड्यूटी इज टू द पेशेंट फर्स्ट। ये लीजिए 10 रुपए अपनी फीस के, लीजिए ना। नहीं माँ, अभी लेके रहो। नहीं, मैं नहीं चलती। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। दैट्स ऑल राइट। आपको कैसे धन्यवाद? उसकी चिंता न करें, अब आपकी माँ कैसी है? वो ठीक हो गई। अच्छा, सुनिए, आपके रुपए। देख लो, एकदम अच्छा हो। बैठ, कैसी हो माँ? ए ए ए बाबू, ये गुड़िया तेरे लिए नहीं है, ये कमला की है। कमला के लिए? हाँ। वाह वाह, क्या कहने हैं तेरे अकल के। क्यों,
तू अभी तक उसे बच्ची समझता है? अरे उसे देखेगा तो पता चलेगा कितनी बड़ी हो गई है। कमला वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? इधर आकर चाचा के पैर छू। अरे 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 ये लड़की तो लंबी होती जा रही है चाचा जी। चलो अब उठो 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 उठो, इधर देखो जरा, इधर नानी इधर देखो, ये लो अपनी गुड़िया संभालो खिलाओ इनको। भैया कहाँ है, अभी तक नहीं आए? समय तो हो गया, बस अब आने वाले। चाचा आ गए। कहाँ है? घर पे है। अरे घर में चले गए, मुझे भाग भाग। अरे ए भैया, रतन ये क्या? रतन यहाँ मेरी छाती से लग, रतन तुझे देखने को तो आंखें तरसते हैं। इम्तिहान में पास हो गया? हाँ भैया पास हो गया। इस बरस भी अव्वल आया होगा? तुम्हारा ही तो भाई हूँ। सो तो है रतन। अरे देख, शहर में बड़े बड़े धनवानों के छोकरे पढ़ते होंगे, लेकिन मेरे रतन से बराजी ले जाए ऐसा कोई माँ का लाल नहीं है। रतन मेरे जरा फिकर लगी रहती थी। काहे की? पिछले चार पांच महीने से जरा पैसे की तंगी थी इसलिए। अरे भैया मैंने तुमको कितनी बार चिट्ठी में लिखा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। मेरी चिंता मत करो, अरे सोली कोई बात है रतन? हाँ शहर का मामला, खाना पीना, ऊपर से पढ़ाई लिखाई, पैसे बिना ये सब कैसे पूरा होता होगा रतन? रिक्शा चलाता था मां, रिक्शा। रिक्शा चलाता था? हाँ भैया, और उसी से सब खर्चा पूरा हो जाता था। सुना मां, तुम्हारा बेटा रिक्शा चलाता था? अरे रतन तेरा भाई तंगी में था, कोई मर तो नहीं गया था? लो तो इसमें दुख की क्या बात है भैया? अब तुम्हें बताओ भाभी, अगर आदमी अपनी मेहनत से दोनों वक्त अपने काट ले तो इसमें तो इज्जत की बात है ना? तुम्हें तो खुश होना चाहिए भैया, अगर मैंने रिक्शा चलाई है तो औरों की सेवा ही तो की है, किसी को झूठ तो नहीं बोला, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अच्छा अच्छा ये तो हुआ, लेकिन तुम लोगों ने उसे कुछ खाना खुना भी खिलाया कि नहीं? मैं तुम्हारा तो इंतजार कर रहा था भैया। अच्छा रतन चल चले, देख कल सुबह सगाई की धमाल रहेगी, सुबह सुबह उठना पड़ेगा। आइए आइए सीताराम जी, आओ समधन। ये मेरा छोटा भाई रतन, पहचाना कि नहीं? अरे वाह, पहचाना क्यों नहीं, बचपन में इन्हीं गलियों में तो गुल्ली डंडा खेला करता था ये। रतन ये आज से हमारे समधी बन गए। मतलब ये है बेटा कि पहले दोस्त थे, आज से भाई भाई हो गए। आओ बहन, हम तुम्हारा ही रास्ता देख रहे हैं। आओ इधर बैठो। पार्वती अब शुरू करो। लो बहन टीका लगाओ। आइए आइए, बधाई हो रामलाल, सब ठीक ठाक हो गया ना? आपकी आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। रतन यहाँ आओ, ये मैनेजर साहब है, नमस्ते करो। नमस्ते मैनेजर साहब, ये मेरा छोटा भाई रतन है, शहर में पढ़ता है। अच्छा अच्छा, रामलाल सेठ जी ने ये भेजा है। वो तो कहते थे वो खुद आएंगे, खैर बड़े आदमी है, फुर्सत नहीं मिली होगी। नहीं ये बात नहीं, सेठ जी आना तो चाहते थे, मगर उनकी बेटी मालती शहर से इम्तिहान देकर आई है ना, बस उसी के साथ मोटर में कहीं निकले। अगर इम्तिहान में फेल हो गए तो क्या हुआ? अब शादी की बात करो, वो कैलाश की माँ ने फिर लिखा है। नहीं डैडी, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, वो किताबों का कीड़ा जिंदगी के माने भी नहीं समझता। तुम्हारी पगड़ी। हो गया इस कम वक्त को, चाय क्यों नहीं लाता? अबे नंदू। आया जी। तो आप यहाँ पर हैं? कहाँ मर गया?
ये क्या कर रहा है? गाय क्यों नहीं बना था? ये क्या म्याऊं म्याऊं कर रहा है? मुझे बात ये है, चौहान में चूहे बहुत हो गए हैं, इसलिए मैं उनको बिल्ली बन के डरा रहा हूँ। गला गई चल किचन में, तेरी आज चटनी बनाता हूँ। ये जानवर कहाँ से आ गया? मिल में काम करता था, मम्मी जी रोज आन खाया करता था कि मुझे घर में नौकरी दे दीजिए, और इन महाराज ने इसको नौकरी दे दी। नौकरी पे मुझे याद आया डैडी, मेरी एक बड़ी पक्की सहेली है मंजू, वो बीए पास है, टाइप और शॉर्ट हैंड भी जानती है, आप उसे नौकरी दे दीजिए। नौकरी कहाँ है? नहीं डैडी, मैंने उसे वादा किया है, प्लीज डैडी। अच्छी बात। क्या हो गया है माँ, आज तो तुम भगवान से भी नाराज हो गई हो, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, ये क्या है तेरे हाथ में? ये माँ मुझे नौकरी मिल गई, देखो अभी तार आया है। नौकरी का तार किसने भेजा है? उस दिन वो मेरी सहेली मालती आई थी ना, उसी ने अपने पिताजी से कहकर मुझे नौकरी दिला दी है, 100 रुपये महीना तनख्वाह मिलेगी, हमें इसी हफ्ते रंगपुर आने को लेकर। माँ माँ क्या बात है माँ? नहीं बेटी, तू इसी शहर में कोई नौकरी ढूंढ ली। पर माँ इस शहर के तो करीब करीब हर दफ्तर में धक्के खा चुकी हूँ मैं,
कहीं कोई नौकरी का चांस नहीं। ये नौकरी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है माँ, अब इनकार न करो। हाँ कहो माँ, कहो ना, अब हाँ कहो माँ। अच्छा मैनेजर, मंजू की टेबल कहाँ है? जी सब कुछ तैयार है, आइए आइए आइए। ये रही आपकी टेबल। थैंक यू मालती, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूँ? अभी जरूरत नहीं, उधार रहने दो। अब आओ, पहले तुम्हें मिल दिखा दूँ। आओ ना। क्या बात है, क्या हुआ मैकेनिक? सब खत्म हो गया, उसे गियर व्हील टूट गया। ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, मगर इसकी मरम्मत का क्या होगा? अब मरम्मत नहीं हो सकती हुजूर, ये पुर्जे तो बिलायत से नए मंगवाने पड़ेंगे। बिलायत से मंगवाने पड़ेंगे? अरे इसमें तो 2 महीने लग जाएंगे, तब तक के मिल बंद रहेगी। और क्या होगा, ये तो मजबूरी है हुजूर। तुम्हारा मतलब है यहाँ कुछ नहीं हो सकता? हो क्यों नहीं सकता, अगर जरूरत पड़े तो ये मशीन भी यहाँ बन सकती है। तुम कौन हो? सेठ जी, ये मेरा छोटा भाई रतनलाल, मेरे साथ मिल देखने आया है। मगर ये तो गियर व्हील बनाने की बात करता है। जी जी, ये शहर से इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया है। हाँ हाँ, तभी तो, अंग्रेजी के 2 अक्षर पढ़कर ये नफ्स के छोकरे बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, मगर भैया बातों से मशीनें तो नहीं बन जाती। मैं कहता हूँ मैनेजर साहब कि अगर 1,00,000 रुपए की मशीन का सत्यानाश कराना है तो चाहे जिसके हवाले कर दीजिए, मुझे क्या। मैकेनिक ठीक कहता है हुजूर, इन फजूल बातों में क्या रखा है, अपने यहाँ के देसी कारीगर एक पिन तो ठीक तरह बना नहीं सकते, वो भला ये विलायती मशीन क्या बनाएंगे। माफ कीजिएगा मैनेजर साहब, आप जैसे बड़े आदमी के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आखिर ताजमहल किसने बनाया था? कुतुब मीनार और अलोरा एजेंटा के मंदिर किसने बनाए थे? सब हिंदुस्तानियों ने तो बनाए। अरे बाप दादा जो कर गए सो कर गए, आज की बात करो, आज क्या हालत? आज जो भी हालत है वो इन्हीं बातों की वजह से है मैनेजर साहब। माफ कीजिएगा, मैं बदतमीजी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब ये एक पुर्जा देख लीजिए, जब तक ये वहां से बन के नहीं आएगा तब तक ये मिल बंद रहेगी, ये हजारों मजदूर बेकार रहेंगे। हमें ये बात मंजूर है, लेकिन अपनी ही मेहनत और अपनी ही हिम्मत के साथ अपनी मोहताजी दूर करना हमें मंजूर है। डैडी ये ठीक कहते हैं। तुम ये गियर यहाँ बना सकते हो? यहाँ जरूर बना सकता हूँ। अगर ये बना सकते हैं तो इन्हीं को बनाने दीजिए। बात है, तुम गियर बनाना शुरू कर दो। बहुत अच्छा मैनेजर साहब। हुजूर, जिन चीजों की इनको जरूरत हो वो दे दी जाए। बहुत अच्छा हुजूर। अच्छी बात है, अब अगर मशीन का सत्यानाश हो गया तो फिर मुझे ना कहना।
ठीक कर दिया, शाबाश। वंडरफुल, कंग्रेचुलेशन। भाई वाकई कमाल कर दिया। ठीक है तो मिल गया मुझे, आप इनको यहीं रखिए, मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपसे ले लूं। बैठिए थोड़ी देर, बैठिए ना। आपने मुझे कुछ कहा नहीं तो? अच्छा ठीक बात सही बजा था है ना। आपको संगीत का कुछ शौक है? थोड़ा सा। और आपको? मैं मजदूर आदमी, मुझे इतना वक्त कहाँ से मिलता है। लेकिन मैंने समझा था कि शायद शायद आपको हर बात आती है। अच्छा और क्या, कभी आप रिक्शा वाले के भेस में होते हैं, कभी बिगड़ी हुई मशीनों को ठीक करने वाले इंजीनियर बन जाते हैं। क्या भरोसा आपका, कभी किसी बड़े स्टेज पर एक बड़े गवैये के रूप में भी दिखाई दे जाए। तो आप मुझे एक बहरूपिया समझती हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछती हूँ कि आप असल में क्या हैं? असल में जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं एक मामूली इंसान हूँ। वैसे आप क्या समझती हैं मुझे, क्या समझती हैं? एक देवता। अगर कोई देवता सुन लेगा तो आपसे बहुत नाराज हो जाएगा। सच बोलने से कोई देवता नाराज नहीं होता। ए भैया बंसी वाले, जरा इधर तो आओ। तुम तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो भाई, तो दिखा देखे। फूंक मारने से बोलेगी। अच्छा लीजिए। इधर नहीं। हाँ इधर 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 इधर। बैठो। पुलिस आप क्या सुनेंगे, दरबारी कांडा, कोसी कांडा, पीलू मारू, बिहार ठुमरी, जय जयवंती, मालकांस, क्या सुनेंगे? नाम तो बहुत से आते हैं, कुछ भी सुनाइए। कुछ भी कुछ भी सुन लीजिए। कुछ भी कुछ भी। बेइज्जती मत कीजिए। नहीं 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 सुनिए, एक चांस उस बेचारे को जाने दीजिए। एक चांस बस, एक चांस, आप सुन तो लीजिए एक दफा, एक चांस बस, एक चांस, एक चांस। Thank you.
मैं समझा था मेरे संगीत से तंग आके आज सो गई। सो नहीं गई थी, खो गई थी। कुछ और सुनाइए। ना 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 ना, ना। कहीं आप इससे ज्यादा खो जाए तो मुझ बेचारे को तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ए भैया बंसी भाई, ले जाओ भैया अपनी बंसी, अब आगे तो खतरा है। सुनो सुनो सुनो, ये लो मिठाई खा लेना। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। ठीक कहती थी ना, आपको सब कुछ आता है। सिर्फ एक बात नहीं आती मुझे। क्या? किसी की झूठ मूठ की तारीफ मैं नहीं कर सकता। तो मैं आपकी झूठी तारीफ कर रही थी। हाँ किए जाइए किए जाइए, मैं आपको ज्यादा मौका भी नहीं दूंगा। मुझे तो कल ही यहाँ से चला जाना है। और कल? हाँ कल ही चले जाना है। हाँ जाना तो पड़ेगा ही ना। मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं समझी थी कि आपने इतना बड़ा काम किया है तो शायद सेठ जी आपको इसी मिल में काम देती। हो सकता है दें, हो सकता है न दें, मिल उनकी है, मालिक हैं वो। पर मैं आपसे एक बात पूछूं। पूछिए। मेरे चले जाने के बाद आप इस बहरूपी को कभी याद करेंगे? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप सचमुच चले जाएंगे? आपसे मिले बगैर तो नहीं जाऊंगा। यही ठहरना। क्यों, क्या है भाभी? नजर उतार रही हूँ और क्या। नजर क्या होती है? ये अपने भाई से पूछ लो ना। भैया ये नजर उतार सब क्या है? तू नहीं समझेगा रतन, इंसान पत्थर की चोट सह सकता है लेकिन भैया ये बुरी नजर की वजह से बचना बहुत मुश्किल है। भाभी भाभी जरा क्यों तुम भैया के पास खड़े हो थोड़ी देर? क्या और नजदीक जरा जरा। हाँ भैया जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ भी मैंने किया है वो आप दोनों के आशीर्वाद से ही तो है। रतन मामा के पास चले। बात रतन को आशीर्वाद दो माँ। अरे माँ मुझे क्या लगा रही हो, रतन को लगा? नहीं माँ ठीक है, बड़ा भैया पहले छोटा भैया बाद। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों, सदा सुखी रहो। रतन? हाँ भैया। कल तुझे सेठ जी ने बंगले पर बुलाया है। मुझे? हाँ तुझे, इसलिए कल तुझे सवेरे सवेरे उनके यहाँ जाना होगा। चला जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जरूर जाऊंगा। चलो मेरे कमरे में चले, यहीं में बैठे। नहीं नहीं मंजू, यहाँ तो कई मिलने जुलने वाले आते हैं। आओ तू जानती है मंजू तुझे मैंने क्यों बुलाया है? आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, जन्मदिन मुबारक। इस तरह मैं मुबारक एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो फिर किस तरह? आज शाम को हमारे यहाँ पार्टी है, उसमें तुम्हें आना पड़ेगा और वहाँ डांस भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं मालती, मुझसे ये नहीं हो सकेगा। क्यों? मेरे जन्मदिन की खुशी में भी नहीं नाच सकती? कॉलेज में तो कैसे कैसे डांस करती थी, पता है बाकी सब सहेलियाँ डांस करने को तैयार हैं। मुझे मजबूर न करो मालती। रतनलाल आओ आओ। ओ रतनलाल आया है, वही जिसने मशीन ठीक की थी। तू जरा यही बैठ, मैं अभी आती हूँ। नमस्ते सेठ साहब। नमस्ते रतनलाल, आओ बैठो। जी नहीं ठीक है, बैठो ना। कोई हर्ज नहीं, भाई साहब ने कहा था कि आपने मुझे याद किया है। हाँ हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है, कल जो कुछ तुमने किया उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
बहुत मेहरबानी आपकी। मेहरबानी की क्या बात है, बोलो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। बस आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए यही बहुत। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ। आपने घर पर बुला के मुझे इतना मान दिया है, यही क्या कम है। इससे ज़्यादा की तो आशा भी नहीं करनी चाहिए मुझे। अच्छा सुनो रतन, अगर तुम इनाम लेने से इनकार करते हो तो एक और काम करो। क्या काम? मेरी मिल में नौकरी क्यों नहीं कर लेते? आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन एक दफा मैं भाई साहब से पूछ लूँ। भाई साहब से पूछने की उसमें क्या बात है, वो कोई मेरी बात को इनकार तो नहीं करेगा। सुनो, कल से तुम हमारी मिल के चीफ मैकेनिक बनाए जाओगे, 150 रुपये महीने को तनख्वाह दी जाएगी, मंजूर है? सेठ जी, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूँ, सच मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो फिर कल से तुम काम पे आ जाओ। मालती, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। बस नमस्ते। नमस्ते। डैडी। क्या है? आज शाम की पार्टी के लिए इन्हें भी। हाँ हाँ रतन, आज मालती का जन्मदिन है, शाम को पार्टी है, तुम भी आना। बहुत अच्छा, जरूर आऊंगा। अच्छा नमस्ते। देखिए जी, शाम को आइएगा ना। जी हाँ, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। माफ करना मंजू, कोई बात नहीं। मालती, मैं तुम्हारी पार्टी में नाचूं। सच? Thank you.
जिसे देखूं सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम क्या जानो, देखने वालों से पूछो। अच्छा मंजू, वो नया मैकेनिक काम पर आया कि नहीं? हाँ, कहाँ होगा वो? मशीन रूम में काम कर रहा है। अच्छा तो मैं अभी आती हूँ। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, काफी रौनक थी। आप तो बस डांस ही देख रहे थे। आप भी तो देख रही थी। मैं तो आप ही तो देख रही थी और आप डांस में खोए हुए थे। जरा आगे आगे क्यों जा रही हो? तो अब रास्ता खुला है ना, जाओ जाओ। नहीं भाई, इतने लंबे रास्ते में अकेला मैं खो जाऊंगा, मुझको डर लगता है। इस तरह रास्ते चलते किसी को परेशान करना कहां की शराफत है। ओए श्रीमती जी, अरे श्रीमती जी, ओए श्रीमती जी, क्या है श्रीमती जी, ये रास्ता किस तरफ प्रस्थान करता है? जहन्नम को। अरे नहीं 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 श्रीमती जी, महाभयानक स्थान है वो, आप जानती हैं लोगों को वहां यमदूत भांति भांति के कष्ट देते हैं। ना 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 छी, ना 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 ना, ये तमाशा उसी के साथ जाके करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसके साथ? उसी के साथ जिसे बड़ी घुल मिल के बातें होती है। पकड़ लिया, तो ये तुम छुप छुप के हमारी बातें सुनने आई थी हैं? मैं बातें सुनने आई थी? बिल्कुल नहीं, झूठ बोलते हैं। मैं तो अपॉइंटमेंट लेटर देने आई थी, मेरी ड्यूटी थी इसलिए आई थी। झूठ बोल रही हो तुम? झूठ बोल रही हो? सच बोलती हो तुम? अच्छा तो इधर देखो, आंख से आंख मिला के बात करो, कसम खाओ छूट के बोलो कि लेटर देने आई थी या जल जल के बातें सुनने आई थी तुम? देखो देखो देखो, पकड़ा गया, पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। बुद्धू तुम इतना नहीं समझती कि मैं तुमसे थोड़ी तुम पे थोड़ी गुस्सा कर रहा था, मैं तो तुम्हारी सहेली को सुना रहा था। सब आ गई वहां से, हेलो मिस्टर रतन, कल की पार्टी कैसी थी? खामखा परेशान कर रही मुझको। तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मुझे ही डांटा करोगे क्या? अरे तुमको नहीं डांटूंगा तो और किसको डांटूंगा, वो तो मालिक की बेटी है, उसको क्या कहूंगा। और जिसको आदमी अपना समझता है, जिससे कुछ जोर होता है, उसी को तो कुछ कहता है। हाँ, और अगर तुम कहो कि मैं तुमको अपना न समझूं तो ये बात और है भाई, ऐसा नहीं होगा फिर से। मैंने ये कब कहा? अगर नहीं कहा तो फिर ये मुंह फुला के इतना रोना धोना किस बात का है? मैं कहा रो रही हूँ? रो नहीं रही हो तो ये क्या है, आसमान का कोई तारा है, है? चलो जाने दो, जाने चलो जाने दो, हाथ मिला लो, हाथ सुस्ती दे, सुस्ती होगी ना, होगी ना, हाथ मिला लो दिल से ना, होगी तो आ जाते। साइकिल पर मैं? देखो अगर कहीं का मैं राजा होता ना तो 10 घोड़ों की रथ में ले जाता तुम, और किसी कॉटन फॉटन मिल का मालिक होता तो किसी बढ़िया मोटर कार में, नहीं तो हवाई जहाज में तुमको लेके जाता।
लेकिन अब तो गरीब आदमी हैं हम, अपने पास तो एक टूटी फूटी साइकिल है, तो इस पे चलो अपने साथ। पर रतन मुझे तो साइकिल चलानी नहीं आती, मैं गिर जाऊंगी रतन। अरे तो मैं जो हूँ रतन, चलो ये लो पकड़ लो यहाँ, हाँ चलो पैर पे पैर रखो, पैर पे पैर रखो। रतन मुझे जैसे कुछ नहीं होगा, मैं जो कह रहा हूँ मैं हूँ। हाँ चलो चलो ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। हाँ अब देखो डरना नहीं है, मैं धक्का देता हूँ, डरना नहीं। कुछ नहीं, ऐसी हंसी आ रही है। तुम क्यों हंस रही हो ऐसी? अच्छा रतन, हम लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए, यूं ही हंसे जा रहे हैं? नहीं, पागल नहीं हो गए, एक दूसरे के पास है ना, इसकी तरह खुश है रतन। हाँ एक बात पूछूं? पूछो।
इससे पहले तुम कभी किसी लड़की से मिले हो? लड़की से? अरे वैसे तो मैं बीजी हूँ, लड़कियाँ रोज अपने रिक्शा में उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर ले जाता था। उस तरह नहीं, इस तरह। नहीं, इस तरह नहीं मिला कभी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही क्या करने के लाला शरीफ आदमी है, घर जाता है और किधर जाएगा? सलाम। वाह, हमारे पैसे निकालो, हमको मालूम है बोनस मिलते। लाला बोनस दिवाली के लिए मिला है, तुम्हारे लिए नहीं। हम कुछ भी नहीं जाता, पैसे निकालो। और इतना बोलो लाला, दूसरा लाला लोग सुनेगा तो माल बच जाएंगे, समझते नहीं तुम्हें? अरे आखिर तक क्यों मरेगा, हम सोरे किया मर गए। कंजूस का बच्चा, ये कुछ देता है हमको नहीं देता है। आ गए आप भी, कितने पैसे तुम्हारे? 40-50 रुपया। तुम्हारा 80/5। ये लो 100 रुपया है, दोनों आपस में बांट लो, बाकी का अगले महीने में ले लेना, समझे? जाओ अभी जाओ। दिवाली मुबारक भाई। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, हम तो हुए देखो ठन ठन गोपाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। मेहनत करे अरे यारों को देखो तिजोरी भरे, दिन रात हम तो गुलामी करे, अरे फोकट में ये सांझ खेती करे, धन पे हमारे है सेठों का ताला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। खिचड़ी ही खाते रहे, अरे हलवा लफंगे उड़ाते रहे, हम मुफ्त झाड़ू लगाते रहे, गंगा में अरे गंगा में गधे नहाते रहे, दाता तेरी अकल को, दाता तेरी अक्ल को है काए झाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। चाचा, अच्छा चाचा, ये फुलझड़ी देखो। तू कुछ भी कह रहा था, पर जो तूने आज मिल में किया है ना, वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे हमको लखपति है क्या जो बोनस को यूं ठुकरा दे? भैया हम लखपति नहीं, गरीब ही सही, लेकिन क्या गरीब आदमी का कोई उसूल नहीं होता? 3 महीने का बोनस लिखकर 1 महीने का बोनस देना, ये उनकी सरासर बेईमानी है भैया। और हमारा इस तरह चुपचाप ले लेना, ये भी बेईमानी है। लो सुन लो, तुम्हारा लाडला देवा कह रहा है। जो कह रहा है ठीक कह रहा है, आखिर ये कहां का न्याय? अरे तुम न्याय अन्याय को क्या समझो, आज 6 साल से हमें इसी तरह बोनस देते चले आ रहे हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा कि अंगूठा कितने पे लगवाया और दिया कितना। तो इसका ये मतलब हुआ भैया कि वो 6 साल से आपको धोखा दे रहे हैं। इस तरह बेइंसाफी को बर्दाश्त करना भैया गरीबी का नहीं बुजदिली का सबूत है। जो कुछ भी हो हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और सच बात यह है भैया कि सेठ जी अपने मजदूरों से धोखा कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से धोखा कर रहे हैं, अपने देश से धोखा कर रहे हैं। हमारे देश की तरक्की हो, हमारी जनता सुखी रहे, यही मेरे जीवन का आदर्श है और इसी के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ।
अगर आप लोग मेरी मिल में आएंगे तो देखेंगे कि मैंने अपने मिल के काम करने वालों के लिए, उनके आराम के लिए क्या क्या बंदोबस्त कर रखे हैं। मुआवजा बहुत देना पड़ेगा। हाँ फिक्र न करें, मैं सबको संभालूंगा। मंजू तुम जाके जरा रुल्दू के बच्चों का ख्याल करो, मैं अभी अस्पताल से होकर आता हूँ। क्यों, क्या बात है? वहाँ इंक्वायरी हो रही है, अंदर जाने का ऑर्डर नहीं है। हमें इस मामले में कुछ शक है इंस्पेक्टर साहब। ऐसा लगता है ये आदमी खुदकुशी करना चाहता था। खुदकुशी करना चाहता था? जी हाँ, ऐसा ही तो लगता है। ये एकदम झूठ बात है भैया, सरासर जुल्म है। रुल्दू पर लगाया हुआ खुदकुशी का ये इल्जाम एकदम गलत है। रुल्दू और खुदकुशी करे रतन, ये मेरे समझ नहीं आता। अरे भाई वो तो एक जिम्मेदार आदमी है, अपने बच्चों से प्यार भी करता है, वैसे करने को नहीं। तो मैं भी कहता हूँ भैया, वो ऐसा क्यों करेगा? उसने ऐसा नहीं किया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उस पर ये इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? साफ बात है, अगर ये मान लिया जाए कि मालिक का काम करते वक्त एक्सीडेंट हुआ है तो मालिक को उसका मुआवजा देना पड़ेगा, और झूठा इल्जाम उस पर इसलिए लगाया गया है ताकि मालिक को मुआवजा ना देना पड़े। मैं ये नहीं मानता रतन, तू तो खामखा मालिक की नीयत पर शक करने लगता है। उसे ऐसा करने से आखिर मिलेगा क्या? नहीं बेटे, नहीं नहीं नहीं, मत रो, मत रो। देख तू बड़ी होकर रोएगी तो इन छोटों को कौन चुप कराएगा? है मंजूर ने कुछ खाना वाना खाया है? नहीं, ये बेचारे तो दरवाजे में खड़े अपने बाबा का रास्ता देख रहे थे। जब मैंने बताया कि तुम्हारे बाबा अस्पताल में हैं, सबसे बस रोए जा रहे हैं। काका, तेरे बाबा बात करेंगे नहीं, वो घर वापस आएंगे ना? बोलो काका, बोलो ना, बोलो। वो लोग आपसे अभी मिलना चाहते हैं। मैं उनसे इस वक्त कैसे मिल सकता हूँ? थोड़ी देर शोर मचाएंगे, खामोश हो जाएंगे, मुझे परेशान न करो। ये क्या मुसीबत? कौन है? जी मैं हूँ सेठ जी। क्या है सेठ जी? मिल के मजदूर बहुत बढ़ते हुए हैं, अगर फौरन कुछ न किया गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। रुल्दू को कुछ दे दिला के चुप नहीं किया जा सकता? सब कुछ हो सकता है हुजूर। आप मुझे 200 रुपए दीजिए, मैं अभी उससे मुआवजे के फार्म पे दस्तखत करा के ले आता हूँ। मैंने सेठ जी को टेलीफोन किया था, वो इस वक्त बहुत जरूरी काम में फंसे हुए हैं। कल आप लोगों से मिलेंगे, आप लोग कल तशरीफ लाइए। सेठ से मिले बगैर नहीं जाएंगे। बुलाओ देखो। रुक जाओ, इस तरह जोश में आना अच्छी बात नहीं है, हमें इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए।
ये भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या बात है रतनलाल, क्या झगड़ा है? झगड़ा कोई नहीं है सेठ जी, हम इन मासूम बच्चों की फरियाद लेके आए हैं आप। सुनो रतनलाल, तुम्हें इस मिल में आए हुए कुल 6 महीने हुए हैं और रुंडू मेरे यहाँ 12 बरस से काम कर रहा है। तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र मुझे है, ये तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, हम सब समझते हैं। हमारी बात का सीधा जवाब दो, क्या किया है तुमने रुंडू के साथ? कानूनी और अखलाकी तौर से जो कुछ मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर दिया है, उसको पूरा पूरा मुआवजा दे दिया गया है, बस अब तुम जा सकते हो। झूठ है ये, तो है क्या झूठ है? ये रही मुआवजे की रसीद, इसके ऊपर रुंडू के दस्तखत भी है। रतनलाल पढ़ो इसको और बताओ इनको। ये धोखा है कनेडा साहब। हुजूर इस रसीद को हिफाजत से रखिए और अब भी अगर ये लोग काम पे ना है तो मुझे टेलीफोन कर दीजिए। बहुत अच्छा हुजूर। आज रुल्दू और उसके मासूम बच्चों के साथ धोखा किया गया। यही धोखा जो आज उसके साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम्हारे साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। सेठ जी ने उसकी मजबूरी और हम सब की कमजोरी से फायदा उठाकर सिर्फ 200 रुपए में उससे मुआवजे की रसीद पर दस्तखत करा लिए हैं। मगर रुल्दू ने दस्तखत क्यों किए? यही मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने 1 महीने का बोनस लेकर 3 महीने के बोनस पर क्यों दस्तखत किए थे? बताइए क्यों किए थे? जो हम सबकी मजबूरी है वही रुल्दू की मजबूरी। लेकिन दोस्तों आज जमाना बदल गया है, आज हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं जहां इंसान की जिंदगी की कुछ कीमत है, उसका कुछ मोल है। आज इस देश के बड़े बड़े कारखानों में मजदूर को हिकारत की नजर से नहीं बल्कि इज्जत की नजर से देखा जाता है, उसको नौकर नहीं बल्कि बराबर का साथी समझा जाता है। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कारखाने में आज भी मजदूर के साथ वही जुल्म, वही बेइंसाफी हो रही है जो आज से सदियों पहले हुआ करती थी। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सबसे, कि कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हम एक गूंगे और मजबूर इंसानों की तरह इस दौलत के पत्थर की तरह पिसते चले जाएंगे? तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अलग अलग रहकर हम इस बेइंसाफी का मुकाबला कर सकते? अगर आज हम एक होते, अगर आज हमारी कोई यूनियन होती तो ये जुल्म कभी नहीं हो सकता था। हम इसी वक्त यूनियन बनाएंगे। हम इसी वक्त यूनियन मजदूर यूनियन जिंदाबाद। रतन भैया जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। चलो चलो। क्या है? ओहो आप तो हंस के बात करो, हाथ मत लगाओ। अच्छी बात है तो बात सुनो, तेरी माँ हमारी शादी के लिए 2000 रुपए मांगती है ना, उससे कह दे कि शाम तक 10,000 रुपए दूंगा और शादी की तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। मालूम होता है सुबह सुबह शराब पी के आया है। अरे पीकर नहीं, तरकीब लेकर आया हूँ, बदरत चोट लगेगी। चोट लगेगी? हाँ, इधर चोट लगी और इधर रुपया, ऐसा सरकारी कानून है। सरकारी कानून? अरे तू सोच मत, मैं अभी आधा घंटे के अंदर रुपया लेकर आ जाता हूँ। गया काम से। ए नंदू। आ रहा हूँ मैम साहब। अरे चाय लाओ जल्दी। जी अभी लाता हूँ, लाता हूँ। ऊपर वाले सिर्फ पाए का ख्याल रखना। खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया।
मालिक की नौकरी करते करते एकदम खत्म हो गया। तुम भी गवार है ना, तुम भी गवार है ना, और तू भी गवार है ना। पाँव बेकार हो गए, कमर की हड्डी टूट गई, आँख से अंधा हो गया। पूरी बारह खड़ी बोल गया, अभी तक कोई नहीं आया। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? होना क्या था, आपने कहा था ना कि चाय लेकर आओ। हाँ। और फिर आवाज दी थी कि जल्दी लेकर आओ। हाँ हाँ। और फिर मैं जल्दी ला रहा था ना। हाँ, तो फिर बस इतना याद रखना, तुम लोग भी याद रखना। उठा उठा उठा। अच्छा मालकिन, कहा सुना माफ कर देना। असली पॉइंट तो भूल ही गया, मालिक से बोल देना मैं मुआवजे के लिए ज्यादा झगड़ा नहीं करूंगा, जो सोच समझ कर देंगे खुश होकर ले लूंगा। अब चलो। नंदू यही रहता है? आप कौन है? मैं मिल का मैनेजर हूँ। मैनेजर? हाँ। अरे बाबा रोना पीछे, पहले ये बताओ कि नंदू यही रहता है? हाँ, यही रहता था। रहता था? क्या मतलब, कहीं चला तो नहीं गया? अभी नहीं गया, जाने वाला है। जाने वाला है? अरे ये तुम क्या कर रही हो? सच कह रही हूँ, चल के देखिए। आइए, माफ कीजिए मैनेजर साहब, चोट इतनी लगी है कि मुझे सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता। पूछ लो मेरी बीवी से, मुझे ये भी दिखाई नहीं देती। क्यों झूठ बोलता है, तेरी शादी कब हुई? हजूर, उसको बहुत साल गुजर गए, मेरी माँ के डर से हमने चोरी चोरी शादी कर ली थी, किसी को भी नहीं बुलाया था हजूर। अरे रोती क्यों है, पाँव पकड़ ले, इन्हीं का सहारा है। मैनेजर साहब आप हम पर दया कीजिए, मैनेजर साहब अगर ये इस तरह बेकार हो गए तो हमारा क्या होगा, मेरी माँ खाने वाली है। मैनेजर साहब छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे? हाँ। मगर कहाँ है बच्चे? बच्चे यतीम खाने में। हाँ मैनेजर साहब, यतीम खाने में है, ज्यादा नहीं मैनेजर साहब, सिर्फ 25,000 दिलवा दीजिए। 25,000 क्यों मांगती है, हम झगड़ा करने वाले नहीं। मैनेजर साहब आप ही सोच समझ के फैसला कर दीजिए। हाँ, अरे मैं क्या फैसला करूंगा, मालकिन ने खुद फैसला करके भेजा। ऐसा कितने बेटे हैं? मालकिन ने कहा कि नंदू पुराना नौकर है, इसलिए उसे 100 रुपए दे दो। 100 रुपया दे दो, इतनी सारी चोटों के सिर्फ 100 रुपए? मालकिन से कहना कि वो अपने लिए पाउडर खरीद ले। अरे मैं कहता हूँ इसे ले ले, वरना फिर ये भी नहीं मिलेगा। नहीं कैसे मिलेगा, मैं यूनियन में शामिल हो जाऊंगा, केस कर दूंगा। आइए डॉक्टर साहब, बड़े ठीक वक्त पहुँच गए, फौरन इसका मुआयना कीजिए और रिपोर्ट लिखिए। बैठिए बैठिए, मुआयने की तकलीफ क्यों करते हो डॉक्टर साहब, मैं खुद बता देता हूँ। बोलो कहाँ कहाँ चोट लगी है? चोट सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी जख्मी हो गई है। मगर जख्म तो कहीं दिखाई नहीं देता। ओहो डॉक्टर साहब, अंदरूनी चोट से जख्म दिखे ना कहाँ से, आप समझते क्यों नहीं? कोई बात नहीं, अंदर के जख्म भी अभी देख लूंगा। मगर ये छुरी किस लिए, बकरा काटने का इरादा है क्या? चुप रहो, मैं अभी ऑपरेशन करके सब ठीक कर दूंगा। मैनेजर साहब जरा पकड़ लीजिए मुझे, जवाबदारी के लिए बड़ा काम है, अपने आगे तो देखा जाएगा। अरे तुम्हें आज सही कहा, हमें धोखा देना चाहते था। बोल कहाँ है जख्म? बिल्कुल सही है ना, तो एकदम ठीक हो गया मैनेजर साहब। ठीक हो गया? एकदम ठीक हो गया। अरे अभी क्या ठीक हुआ, अब मैं ठीक करूंगा। अरे मैनेजर साहब जाते कहाँ हो, कम से कम वो 100 रुपए दे रहा। अरे 100 रुपए, अब तो तू नौकरी से डिसमिस हो गया, क्या समझा? चलिए डॉक्टर साहब, नौकरी से डिसमिस? बेस बेस दे। हाय राम सर। वो नंदू एकदम झूठा था हुजूर, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। बहुत अच्छा किया, ये लो उस मंजू और रतनलाल को भी बाहर निकालो, उनका हिसाब करो, कंपाउंड के बाहर फेंक दो। बहुत अच्छा हुजूर, यूनियन बनाएंगे, लीडर बनेंगे। सुनो वो रतनलाल का नोटिस मुझे वापस करो। जी। इस लड़के से तो मैं खुद समझूंगा। और ये मंजू हजूर? मंजू को नोटिस फौरन दो ताकि दूसरों को प्लान हो। तो बहुत अच्छा हजूर। मैनेजर साहब जी, मंजू का नोटिस मुझे दीजिए, मैं उसे लाई थी, मैं खुद ही उसे डिसमिस करूंगी। किस लड़की को बुलाओ।
मुझे बुलाई मालती। मुझे सख्त अफसोस है मंजू, मैंने तो पिताजी से बहुत कहा मगर वो तुमसे एकदम नाराज है। क्यों? वो तुम्हारा मामला उनके कानों तक भी पहुंच गया। कौन सा मामला? मुझसे पूछती हो? तुम नहीं जानती, वही रतनलाल का मामला। तुम दोनों में कुछ ताल्लुक है, तुम उसके साथ घूमती फिरती हो। ये सारी बातें किसी ने पिताजी से कह दी है, उसी वक्त उन्होंने तुम्हें डिसमिस करने का हुक्म दे दिया। ये देखो। ओ क्या, यहाँ कोई तुमसे जलता तो है नहीं, ये सब तुम्हारी अपनी करतूत का फल है। बल्कि मैं तो गरीब लड़की समझकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो क्या कहती हो अब? मानती, मोहब्बत किसी के कहने से नहीं की जाती और न किसी के हुक्म से तोड़ी जा सकती है। ये इंसान का निजी मामला होता है। तो फिर मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करती हूँ। ये लो, निकल जाओ यहाँ से। ये सरासर जुल्म है। मंजू को सिर्फ इसलिए निकाला गया है कि वो यूनियन में रहकर हमारा साथ दे रही है। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। यह बेइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब आपके लिए सेठ जी से लड़ेंगे। नहीं भैया, हमारी खातिर किसी को झगड़ा करने की जरूरत नहीं। ये किसी एक के लिए झगड़ने की बात नहीं है, ये हम सब के अधिकारों की बात है। हम सब इकट्ठा होना चाहते हैं और सेठ जी हमें एक एक करके तोड़ना चाहते हैं। यही वक्त है हमारा एक होने का, यही वक्त है एक दूसरे के साथ रहने का, यही वक्त है एक दूसरे का साथ देने का। अरे कुंदन, इधर आ तू। अरे सुना, तेरे मिल में बहुत गड़बड़ चली है। नहीं बापू, ऐसी कोई खास गड़बड़ तो नहीं है। अरे नहीं तो क्या, सुना है वो रामलाल का भाई रतन सेठ जी के खिलाफ बहुत बातें करता फिरता है और सेठ जी उस पर बहुत बिगड़े हुए हैं। सेठ जी के बिगड़ने से क्या होता है, रतन भैया सच्चाई पर है। वो मजदूरों के हक में बात कर रहे हैं, उन्होंने तो हमारी यूनियन बना दी। तू भी यूनियन में शामिल हो गया? मैं क्या बापू, मिल का हर आदमी उसमें शामिल होगा। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, तब तो मेरी खबर सच्ची ही थी। अजी सुनती हो कुंदन की माँ? क्या है? वो रामलाल और रतन का मिल से पत्ता कटने ही वाला है। क्या कहते हो, अगर ये सच है तो उनके घर में रिश्ता करके हमारा क्या होगा? सेठ जी को पता चल गया तो हमारे कुंदन की शादी उनकी लड़की से हो रही है तो उन लोगों के साथ इसे भी नौकरी से निकाल देंगे। तुम भी क्या बात करती हो माँ, मेरी नौकरी से मेरी शादी का क्या ताल्लुक है? तुझे बीच में बोलने को किसने कहा है? चल बाहर जा। शीला बेटी, तुम ही सोचो, इस तरह अचानक 2000 की मांग करना कहाँ तक ठीक है? कल को अगर ये ब्याह रुक गया तो जानती हो गांव वाले कैसी कैसी बातें करेंगे। हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। इज्जत का इतना ही ख्याल है तो फिर जैसे भी बने 2000 लाकर दे दो ना। अगर मंजूर हो तो रुपए भेज देना, नहीं तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। नमस्ते। शीला सुनो तो। देखा माँ किस तरह मुँह से आकर चली गई, मोहल्ले में बात फैल गई तो जितना मुँह उतनी बातें। जाने भगवान को क्या मंजूर है, जब वो सुनेंगे उनका तो दिल ही बैठ जाएगा। माता जी मुझे बचा लीजिए सेठ जी, आज तक आपने मेरे बाल बच्चों की जिंदगी बचाई, आज मेरी इज्जत भी बचा लीजिए सेठ जी। क्या बात, क्या हुआ? वो सीताराम डाकिया अपनी जबान से फिर गया है, अब कहता है कि अगर 2000 रुपए नहीं दिए तो ये शादी नहीं होगी। किसी ने उसे कुछ सिखा पढ़ा दिया है सेठ जी, अब अगर उसने ये सगाई तोड़ दी सेठ जी तो मैं गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा सेठ जी, मेरी नन्ही सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे वक्त पर आप ही मुझे बचा सकते हैं सेठ जी, आप ही मुझे बचा सकते हैं। उठो रामलाल, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान आपको सुखी रखे सेठ जी, हम आप ही के सहारे तो जिंदा है। तो तुम अपने भाई को यहाँ भेज। उसे किस लिए, वो तो वैसा ही करेगा जैसा मैं उसे कहूंगा सेठ जी, उसका दस्तखत भी मैं अपने साथ करा दूंगा। आप महीने के महीने हमारी आधी तनख्वाह काट लीजिए। ठीक है, मगर मुझे उससे कुछ बातें करनी है, तुम उसे यहाँ भेजो। जी बहुत अच्छा। रतन जा, तुम नहीं चलोगे? नहीं रतन, सेठ जी ने सिर्फ तुझे बुलाया है, और देख वो बड़े आदमी हैं। जरा तुम भैया फिक्र मत करो। हाँ रतन, जरा ख्याल से जाना है। नमस्ते सेठ जी। ओहो आइए आइए लीडर साहब,
रात तो अच्छे हैं। भाई साहब कहते थे कि आपने मुझे बुलाया। ये तो सब ठीक है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मजदूरों की इतनी बड़ी यूनियन के इतने बड़े लीडर का आपका क्या है? मेरी लीडरी में क्या रखा है सेठ जी? अगर आप चाहें तो एक मिनट में ये लीडरी खत्म हो जाए। आप इन मजदूरों की जायज शिकायतें दूर कर दें तो सच में किसी लीडर वीडर की जरूरत नहीं। तुम दूसरों की मुसीबत मोल क्यों लेते हो? तुम अपने काम से काम रखो, तुम कोई महात्मा गांधी हो नहीं। सेठ जी ये पवित्र नाम इस तरह मत लीजिए। मैं मेरे लिए ये सौभाग्य क्या कम है कि जिस धरती पर उनके चरण पड़े हैं उसी धरती पर मैं भी रहता हूँ, उसी हवा में मैं सांस लेता हूँ। मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ इतना है सेठ जी कि उनके बताए हुए सच्चाई के असूलों पर चलने की मैं एक कमजोर सी कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस गुस्से को छोड़ दीजिए आप और इन मजदूरों की आवाज सुनिए ताकि इनके अंधेरे जीवन में भी कुछ रोशनी आ सके। ये तो सब कुछ ठीक है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई की लड़की की शादी हो जाए, ये तुम चाहते हो या नहीं? क्यों नहीं चाहता सेठ जी, क्या मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी नहीं है? तब तो उस लड़की की शादी एक ही हालत में हो सकती है। तुम ये यूनियन वगैरह तोड़ दो और अपना नोटिस वापस ले लो। आप चाहते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने उसूलों का खून कर दूं? तुम्हें मंजूर है या नहीं? एक लफ्ज में जवाब चाहता हूँ। 2000 की जगह 5000 रुपए देने को तैयार हूँ। खुद शरीक होकर बड़े धूमधाम से शादी कराऊंगा। बोलो। सेठ जी मेरे भाई ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा आपकी नौकरी में गुजारा है, अगर आप उसके लिए इतना करते हैं तो ये इंसाफ की बात है। लेकिन अगर इसी बात का दबाव डालकर आप मुझे उन हजारों मजदूरों का साथ छोड़ देने पर मजबूर करते हैं तो ये इंसाफ की बात नहीं है, ये जुल्म है, बेइंसाफी है सेठ। बेइंसाफी? किस बात की बेइंसाफी? मैंने क्या जुर्म किया? मिल का मालिक होना जुर्म है, या मिल के मजदूरों को हर महीने पूरी तनख्वाह देता हूँ ये जुर्म है, या जिन लोगों को आधे वक्त खाना नहीं मिलता है उनको नौकरी देता हूँ ये भी जुर्म है? नहीं, ये जुर्म नहीं है। नौकरी देना जुर्म नहीं है, मिल का मालिक होना भी जुर्म नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ सेठ जी कि जो धन मजदूरों के हिस्से का है उसे मजदूरों से छीन लेना जुर्म है। कौन सा धन? क्या उन लोगों ने इस मिल में रुपया लगाया है? उन्होंने रुपया लगाया नहीं सेठ जी, उन्होंने रुपया लगाया नहीं, रुपया पैदा किया। और आपने जो एक छप्पर खड़ा किया था उसे इन आलिशान मकानों में बदलने के लिए भी उन्हीं मजदूरों ने अपना खून और पसीना एक किया। आपकी ये सोना उगलने वाली मिलें भी उनकी मेहनत पर चलती हैं, और आप भी दुनिया में किसी और चीज से नहीं, मेहनत से ही कामयाब हुए। लेकिन सेठ जी रुपए ने शायद आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, और जिस सीढ़ी पर चढ़ के आप जिंदगी में ऊपर उठे आज आप उसी सीढ़ी को काट के फेंक देना चाहते हैं। रुपया क्या है सेठ जी, रुपया क्या है? मिट्टी की तरह एक बेजान और बेकार चीज है। लेकिन जिस तरह मिट्टी में मेहनत का बीज बोए बगैर पैदावार नहीं हो सकती, उसी तरह रुपए के साथ जब तक मेहनत का मेल नहीं होगा दुनिया में कभी कोई तरक्की नहीं होगी। इन दोनों का मेल बहुत जरूरी है सेठ जी, इन दोनों का मेल बहुत जरूरी है। और नहीं तो ये भी सुन लीजिए आप कि जिस तरह और जिस धन के लिए आप दुनिया से धोखा कर रहे हैं, अपने अजीजों से, अपने दोस्तों से धोखा कर रहे हैं, अपने साथियों से धोखा कर रहे हैं, उसी धन के हाथों आप खुद भी धोखा खाएंगे। मैं ये सब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो, तुम ये यूनियन छोड़ने को तैयार हो या नहीं? मेरे छोड़ देने से ये यूनियन नहीं टूटेगी सेठ जी, एक रतन चला जाएगा तो हजार रतन इस यूनियन को चलाने के लिए आ जाएंगे। एक दफा फिर सोच लो। मैं सोच चुका हूँ सेठ जी, मेरे साथी ने जो भरोसा मुझ पर रखा है मैं उस भरोसे से गद्दारी नहीं कर सकता। अगर इसके लिए मेरी कमला की शादी रुक जाती है तो रुक जाए, मैं अपनी बच्ची का ये दुख बर्दाश्त कर लूंगा। नमस्ते सेठ जी। काम हो गया ना? नहीं भैया नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। लेकिन सेठ ने तो वादा किया था। भैया सेठ जी हमारी मदद करना नहीं चाहते, वो अपने रुपए से हमें खरीदना चाहते हैं। खरीदना चाहते हैं तो फिर अब क्या होगा? होगा क्या, हमारी कमला की शादी होगी भैया, उनकी मदद के बगैर होगी। हम उनके रुपए के लिए अपना धर्म नहीं कमाएंगे। चलो भैया रामलाल क्या हुआ भैया? कुछ नहीं जी। सेठ जी माने नहीं? नहीं। क्यों? कुछ समझ नहीं आता जी, अब इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। अरे किस इज्जत की बात कर रहे हो? वही इज्जत
जिससे तुम्हारा छोटा भाई गांव की गंदी नालियों में बह रहा है। मेरे रतन की बदनामी करता है, जबान खींच लूंगा, याद रख। मैं क्या बदनामी करूंगा भैया, ये बात तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि रतन उस टाइप की छोकरी के साथ गुलछरे उड़ा रहा है जिसके बाप का भी पता नहीं। इसीलिए तो वो डाकिया तुम्हारे घर में रिश्ता करना नहीं चाहता। अगर इतबार न हो तो अपने भाई से ही पूछ लो ना जाकर। रतन। हाँ भाभी। चल तू खाना खा ले। भैया को आने तो दोनों साथ ही खा लेंगे। उनका क्या भरोसा कब आए, तू खा ले। क्या है भैया? तू शहर से यहाँ आया है मेरी इज्जत मट्टी में मिलाने के लिए? मैं? हाँ रतन, तू क्या किया है मैंने? जो कुछ तूने किया है रतन, उस पर आज सारा गांव हंस रहा है। मुझे बता कि तेरे और टाइपिस्ट छोकरे के बीच मामला क्या है? उधर क्या देख रहा है, बोलता क्यों नहीं? क्या ये सच है कि तू उस आरा लड़की को अपने साथ लिए घूमता फिरता? अरे रतन, जिसका मालूम नहीं कि बाप कौन था, ऐसी आवारा छोकरी के साथ घूमते तुझे शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की कोई बात नहीं है भैया। इंसान अपने माँ बाप के नाम से नहीं, अपने गुरु से अच्छा या बुरा समझा जाता है। अभी मैं सच कहता हूँ, उस लड़की में कोई ऐब नहीं है, उस लड़की में कोई ऐब नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत शरीफ लड़की। सुन सुनो भैया, मैं तुमसे इजाजत मांगता हूँ। मैं उसी लड़की से शादी करना। शादी? हाँ मुझे मत छुओ। रतन, तू अपने माँ बाप का नाम दबाने के लिए पैदा हुआ है ना? मेरी बात सुनो भैया। मुझे भैया मत कह। रतन भैया तेरे लिए मर गया आज से। मैं कहता हूँ तू यहाँ से चला जा, इस घर से चला जा। रतन मैं कहता हूँ चला जा। तू जाता है कि मैं जाऊँ? मैं जाता हूँ। रतन, इसी लाश चाहने तो आज इतना सर पे चढ़ा दिया तो खानदान की नाक कटवा दी। क्या नाक कटवा दी? चुप कर रामलाल, तेरा दिमाग खराब हो गया है। पहले छोटे को मारा, अब बहू का नाक उठा रहा है। इससे बच जा तो मुझे मार दे, ताकि न मैं जीऊंगी, अरे सब कुछ देखूंगी। मैं किसी को क्या मारूंगा माँ, मैं किसी का क्या लगता हूँ माँ, मैं किसी का क्या लगता हूँ। तुम बोलो, ये खाना चाचा के पास ले जाओ। चाचा कहाँ होगा माँ? तुम वहाँ क्या कर रही हो? आई ए, बोलो कहाँ जा रहा है? इसको ये तेरे हाथ में क्या है? तू जा बोलो। खबरदार, अगर गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, याद रख। खाना जा रहा है लाट साहब के लिए। जरा सी बात पर उसकी हद तक इज्जत हो गई। मैं पूछता हूं कि अगर आज बापू होता तो क्या रतन इतनी सी बात से घर से निकल जाता? मगर मैं कौन होता हूं उसे कुछ कहने वाला? उसके लिए बापू नहीं रहा तो भाई भी मर गया। रामलाल बंद कर अपनी जबान, जो मुंह में आता है उतना बके जाता है। पहले तो उसे गुस्से में आकर मार के घर से निकाल दिया, अब उसी के लिए रो रहा है। मैं किसी के लिए नहीं रो रहा माँ, मैं किसी के लिए नहीं रो रहा। इसका एक ही इलाज है कि मैं तुम्हारे रास्ते से अलग हो जाऊं। नहीं मम्मी, नहीं। क्यों नहीं, ये सब मेरे ही कारण तो हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए सिवा दुख और अपमान के कुछ नहीं रह सकी। मैं तुम्हारी राह का कांटा बन गई हूँ रतन। सुनो मंजू, तुम मेरी राह का कांटा नहीं हो, तुम मेरी राह का कांटा नहीं हो, मेरी हम सफर हो तुम। कि मेरे रहने से तुम्हें अपने भाई भाभी माँ सबसे बिछड़ना पड़ रहा है। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुमसे अपनी सारी उम्मीदें बांध रखी है। उनकी गोद से तुम्हें छीन लेने का हक किसी को नहीं। मेरा क्या है, मैं तो कल तुम्हारे जीवन में आई थी, आज चली जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा तुम्हें।
अंधेरे और दुख से भरी हुई इस दुनिया में मंजू, सही रास्ता तलाश करने के लिए मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। रतन, मेरा तुम्हारा प्यार तो एक सपने की तरह है। एक गरीब बेसहारा लड़की ने थोड़ी सी हमदर्दी पाकर प्यार का एक मीठा सपना देखा। पर सपने तो सपने ही होते हैं रतन, सपनों से तकदीरें तो नहीं बदली जा सकती। मैं तुम्हारी तरह सपने नहीं देखता मैं। मैं केवल सच्चाई में विश्वास करता हूँ, और सच्ची बात यह है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं। ये हाथ जो आज मैंने थामा है, दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। सुनो सुनो मौलाना, अरे अपना ये संसार हुआ है क्या बिल्कुल पागल खाना। बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना, बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। सत्यनारायण की कथा में अब तो बजता फिल्मी गाना, ओ फिल्मी गाना, ओ फिल्मी गाना। बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। आ, क्या मेला के पाँव दबाना, पाँव दबाना, पाँव दबाना। बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना, बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। गजब भैया रे भाई, हाय हाय हाय, केला गुरु को चूना लगाए, जनता को जो किसी उल्लू बना, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए, जिसको ना झाड़ू पकड़ ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए, आदमी भी तो बाजी है, मौका मिले तो भगवान बेच खाए, मौका मिले तो भगवान बेच खाए। कुछ लोगों का धंधा हुआ है क्या मंदिर में जूते चुराना, ओ चप्पल चुराना, ओ बूट चुराना। बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना, बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। तालियां बन। ताली बची नहीं उस्ताद। ऐसा परवाह नहीं, बेटा जमू रही। जमू रही छुट्टी पर है उस्ताद। तुम कौन है? जमू रही। शाबाश जमू रही। मजमा है जमू रही। बोल उस्ताद। जमाना बदल गया। बिल्कुल बदल गया। कैसा बदल गया? साइंस वाला लोग आइटम का गोला बना दिया। हम आइटम की गोली बना दिया। साइंस वाला लोग रॉकेट बना दिया। हम पार्किट बना दिया। साइंस वाला लोग रॉकेट चांद में मार दिया। बिल्कुल ठीक, वो रॉकेट चांद में मार सकता है, लेकिन खटिया पे के दुश्मन को नहीं मार सकता। दुश्मन कौन? दुश्मन वो जो रात को आपके साथ सोता है, आपका खून पीता है। क्या मतलब? मतलब ये कि मजदूर दिन को 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद रात को जब सोने जाता है तो 2 घंटा ओवर टाइम में निकल जाता है। ओवर टाइम कैसे? ओवर टाइम ऐसा कि कभी तो हाथ इधर और कभी इधर पलंग पे पड़े पड़े 2-2 घंटे खुजाते रहते हैं मेहरबान, लेकिन मुसीबत दूर करने का कोशिश एक भी नहीं करता। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा चीज है जो नंबर 1 आपके साथ सोता है, नंबर 2 आपका दुश्मन है, नंबर 3 आपका खून पीता है, नंबर 4 आपसे ओवर टाइम कराता है। उसका नाम बताओ सर। उसका नाम है खटमल। उसको
को मारने का तरकीब? बिल्कुल ठीक तरकीब, इस्तेमाल सुन लो, नहीं तो गोली लेगा और ताक में ले जाके रख देगा तो डबल मुसीबत में पड़ जाएगा। डबल कौन सी? डबल ये, एक तो पैसा खर्चा किया और दूसरे हाथ चालू का चाल। हाथ बंद नहीं होगा, इस्तेमाल करने का तरकीब क्या है कि खटमल को इस तरह पकड़ो, मुंह फाड़ो, एक गोली मुंह में डालो, हो सके तो दूध नहीं तो गर्म पानी भी चलेगा, एक घूंट ऊपर से पिला दो। तपेदिक का बीमारी जानता है ना, टीबी जिसको बोलता है, दूसरे दिन से लागू, पीला पड़ पड़ के खटमल नीचे गिरे, कीमत 3 गोली, एक आना 4 पैसा। अमीर से लेकर गरीब इसकी को खरीद सकता है, जिस भाई को जरूरत हो खीसे में हाथ डालो, पैसा निकालो, हम पकित निकालते हैं। जल्दी जल्दी। रतन भैया, तुम्हें सेठ जी ने बुलाया। सेठ जी ने? हाँ। बैठिए ना। आपके पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बुलाया था। पिताजी ने नहीं, मैंने बुलाया। इस धोखे से तुम नाराज तो नहीं हो? फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ। सुनो रतन, ये सारी दुनिया की चिंता तुमको क्यों है? अपनी भलाई देखो, मेरी बात मानो तो तुम इस मिल के मालिक बन सकते हो। अगर आपकी बात न मानूं तो क्या होगा? मोहब्बत नफरत की आग में बदल जाएगी। तो क्या होगा? उस आग में सब कुछ जल जाएगा और तुम्हें उस बेहया लड़के की राख भी नहीं मिलेगी जो तुमको रुसवाई और बदनामी के गंदे नाले में ढकेल रही है। कुछ और कहना बाकी है? तुम समझते क्यों नहीं रतन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हें तरक्की और भलाई का आसान रास्ता बता रही हूँ। जो खुद अंधा हो किसी दूसरे को क्या रास्ता बता सकता है मालती देवी। आप कहती हैं आप मुझसे प्रेम करती हैं और मैं कहता हूँ कि आप इस पवित्र लफ्ज के मानी में नहीं जानती। मजदूरों ने अपने आप को क्या जमा रखा, कल तक मेरे तल में चाटा करते थे और आज मैं उन्हें अपने पास बिठाऊं और उनसे बातें करूं, हर चीज नहीं हो सकता। डाके कह दो उनसे कि मेरे पास उनकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है। ईमान नमक हराम। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरा ही कसूर है, मेरी ही वजह से मुसीबत यहाँ आई है। क्या हुआ, कैसी मुसीबत? वही जीती जागती मुसीबत मंजू, सारे फसाद की जड़ वही है, असल में सारे झगड़े के पीछे उसी का दिमाग काम कर रहा है। उस छोकरे की ये मजाल, अरे कोई है फौरन गाली निकलवाओ, मैं अभी बताता हूँ उसे कि मैं कौन, आओ मेरे साथ। मंजू कौन है? मैं मालती हूँ, मंजू कहाँ है? क्यों क्या बात है? मेरे डैडी आए हैं, मंजू को बुला रहे हैं। क्या तुम्हारे पिताजी आए हैं? क्यों? वो घर पे है कि नहीं? डैडी मंजू घर पर नहीं है, उसकी माँ है। तो उसकी माँ को बुलाओ, माँ कहाँ है? ये लोग सड़क पे भीख मांगते ही अच्छे से, बतरस खा के जरा सा सहारा दो कि सब सवार हो जाते। तुम्हारी बेटी की ये मजाल के इसी शहर में रह के मेरी मुखालफत करे, इस वक्त अगर यहाँ मौजूद होती तो बता देता कि मैं कौन हूँ। ऐसी गलती की तो छोटी पकड़ के शहर के बाहर फेंक देना चाहिए। बेशर्म जलील, बहुत हो चुका, अब एक शब्द भी न कहना। क्या हुआ डैडी, जल्दी ठंडा पानी लाओ, देखो फैन चला दो। डैडी डैडी, शोर न मचाओ। माँ, क्या हो रहा है ये सब, रो क्यों रही हो माँ? औरत के भाग में हंसना कहाँ होता है बेटी। चल मंजू, अब यहाँ एक पल भी हम नहीं रह सकते। लेकिन माँ हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी मगर यहाँ से दूर, यहाँ से बहुत दूर। पर माँ इस तरह अचानक
बिना कुछ कहे सुने हम कैसे जा सकते? तू नहीं जा सकती तो ना सही, पर मुझे तो जाना है। माँ ऐसी बातें क्यों कहती हो? मैं कुछ नहीं कहती बेटी, ये मेरा नसीब मुझसे कहलवा रहा है। मंजू मैं सब समझती हूँ बेटी, मैं तेरी खुशी बर्बाद करना नहीं चाहती। तू चाहे तो यहीं रह सकती है। नहीं माँ, नहीं ऐसा मत कहो। 20 बरस तक इतने दुख सहकर तुमने क्या इसीलिए मुझे पाला था कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़ दूँ? नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। जहाँ तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो माँ, आखिर हम जा कहाँ रहे? जहाँ इंसान नहीं बसते, जहाँ अन्याय नहीं होता, वहाँ। सुनिए, ये लोग जो यहाँ रहते थे कहाँ गए? कल रात यहाँ से चले गए। यहाँ से चले गए? कहाँ गए? पता नहीं। मेरी जवानी में एक परदेसी हमारे गांव आया, उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए और एक दिन सबसे चोरी गांव के मंदिर में मुझसे ब्याह किया। प्रभु के पवित्र चरणों में खड़े होकर उसने कसम खाई कि वो जिंदगी भर मेरा साथ देगा। मैंने उसकी बात पर भरोसा किया, मगर अपने शहर वापस जाकर उसने पैसे के खातिर एक अमीर घर की लड़की से शादी कर दी। मैं शहर गई पर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे मार के घर से निकाल दिया। माँ, मेरा जी चाहा कि जहर खा लूं, पर तू मेरे घर में थी बेटी, मैं मर भी न सकी। वो कौन था माँ, कौन था वो ताली? जरा धीरे से काम लो बेटी, आज की रात मुश्किल से कटेगी। ऐसा मत कहिए बेटी, ऐसा मत कहिए।
तेरी तरफ देखो तो, माँ मेरी तरफ देखो, माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं, मैं किसी तरह से बचा ली थी। बेटी ये मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में। अरे मैं क्यों कहने जाऊं? तुम्हें इतनी गरज हो तो खुद जाओ और पांव पड़ के ले आओ उसे। मैं मर्द होती तो मुझे तुम्हारी मिन्नत करने की जरूरत नहीं होती। एक बार मुंह से उसे घर आने को कह दोगे तो शाम में कौन सा बट्टा लग जाएगा? मिल में रोज मिलता तो होगा ना? अरे वो मिल में किसी से बात ही कहां करता है। सवेरे मिल में आता है तो ऐसे उदास और खोया हुआ जैसे कोई खजाना खो गया हो, और मिल के अंदर बस अपनी ड्यूटी बजाता है। ड्यूटी इधर भोंपो बजा और उधर वो गायब हुआ। गायब नहीं होता, चाचा मिल से निकल के यूनियन के दफ्तर में जाता है। यूनियन? मैं कहता हूँ इस घर में यूनियन का नाम फिर मत लेना। इस बेचारे पर क्यों बिगड़ते हो? और क्या करूँ, इसी यूनियन ने इसकी शादी नहीं होने दी, इसी यूनियन ने मेरे घर को तबाह किया है। मैं कहता हूँ एक दिन ये यूनियन ने सारे गांव को तबाह कर देगी, मेरे टुकड़े हो जाए, लेकिन इस यूनियन के दफ्तर में मैं कदम नहीं रखूंगा। Thank you.
तेरे चाचा के पास जा रही है, जा उसके साथ जा, कहीं गिर न जाए। दादी माँ, दादी माँ, चाचा यहाँ नहीं है, मुझे पता है वो कहाँ है, चल मेरे साथ। रतन माँ, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, वहाँ मुझे बुला लिया होता तुमने। तुम सब बड़े आदमी हो, बहुत ऊंचा मान है तुम लोगों का, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, इसीलिए चली आई हूँ तेरे पास। क्यों रे, आखिर वो तेरा बड़ा भाई है, अपनी गोद में खिला खिला कर उसने इतना बड़ा किया है तुझे, आज उसी भाई ने जरा गुस्से में हाथ उठा लिया तो तेरा इतना बड़ा अपमान हो गया। मैं तुमको छू के कहता हूँ, भैया ने मुझ पर हाथ उठाया इसका मुझे कोई दुख नहीं। दुख नहीं है तो फिर घर क्यों नहीं आता? अपने भाई, अपनी भाभी, अपनी माँ, सबको इस तरह क्यों दुखी करता है? सुन बेटा, मैं बहुत दिन जिंदा रहने वाली नहीं हूँ। ऐसा मत कहो, सच कहती हूँ, बस मेरी तो एक ही आशा थी, मेरे जीते जी तुम दोनों भाई मिलकर इस बच्चे की शादी कर देते और तुम सबका सुख देखते देखते ये आंखें बंद हो जाती। तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा, कमला भैया की नहीं मेरी बेटी की है, इसकी शादी का जिम्मा मेरा है। मेरे ही कारण तुम्हारे और पापा के बीच झगड़ा हुआ है, मैं सचमुच ही अभागन हूँ। मत रो बेटी, मत रो, तू अभागी नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी है तू, मत रो। रतन आप घर चल। मैं भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो तेरा घर नहीं है क्या? तू रामलाल की किसी बात से मत डर, मेरे होते हो तुझे कुछ नहीं कर सकता। ये बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ, ये बात नहीं है। देखो मेरे कारण इस बच्ची का लगन रुक गया, जब तक किसके ब्याह का पक्का इंतजाम नहीं करा लूंगा मैं किस मुंह से घर जाऊंगा माँ। और ये मेरा प्रण है कि जब तक मैं कमला के ब्याह की शहनाई सुना सकूंगा मैं घर की चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। सेठ जी, मैं आपसे 2000 रुपये कर्ज तो ले रहा हूँ और इसका सूद भी मैं आपको हर महीने पहुंचाता रहूंगा, लेकिन एक बात है, इस बात की खबर मेरे भैया को या किसी और को नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या पड़ी है कुछ कहने की, मेरा सूद बराबर आता रहे तो बस ठीक है। ये लो 2000, गिन लो। रमेश, वो यूनियन का नोटिस सेठ जी तक पहुंचा दिया था? जी हाँ। रसीद ली थी उनसे? जी हाँ। दफ्तर में कौन सो रहा है? कौन भाई तुम? रतन बाबा नमस्ते। तुम यहाँ क्यों आए हो? तो और कहाँ जाता, देखिए ना, जिन लोगों ने इन हाथों का दिया बरसों खाया वो ही आंखें दिखाने लगे हैं, मुझे नौकरी से निकाल दिया है और आपकी इस मजदूर यूनियन ने भी गरीब मजदूर की कोई मदद नहीं की। तुम जैसे आदमी ही मजदूरों को बदनाम करते हैं, समझे? झूठ मूठ का तुम सीढ़ी पर से गिरे और उसके ऊपर से तुम मुआवजा मांगते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? शर्म तो आती है, लेकिन पापी पेट आदमी को बेशरम बना देता है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि आप जहाँ भी काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा, इसीलिए मैं आपके पास नौकरी के वास्ते आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए नौकरी वोकरी नहीं। लेकिन मुझे पता चला है कि आपके यहाँ चपरासी की नौकरी खाली है। देखिए, अगर आपने मुझे नौकरी नहीं दी तो मेरी बीवी बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। झूठ बोलते हो तुम। कहाँ है बीवी तुम्हारी, किधर है बच्चे? बीवी तो माँ बाप के घर है, शादी होते ही जैसे ही मेरे घर आएगी तो बच्चों की लेन भी चालू। मालूम होता यूनियन के पास बहुत माल आ गया है। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, समझे? लेकिन लेकिन रतन बाबू, मुझे तो आज मैं मसरूफ हूँ, तुम कल आके मिलो मुझको। लेकिन रतन बाबू देखिए, फैसला आज ही किया। रतन बाबू मैं कहता हूँ आज ही आपको फैसला करना पड़ेगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपकी साइकिल के सामने ले जाऊंगा और ये हत्या आपके सर होगी। तुम फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे यहाँ पर। मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं करूंगा। ईमानदारी से काम करोगे? बिल्कुल ईमानदारी से काम करूंगा, आपके सर की कसम, बस आप हाँ कह दीजिए। आज तुम यूनियन के एक मुलाजिम हो, चलो। मजदूर यूनियन जिंदा। मजदूर यूनियन आपसे मुतालबा करती है, नंबर एक, रुल्दू के मुआवजे के 12,500 रुपए और बनते हैं, वो उसे फौरन दे दिया जाए। नंबर दो, पिछले 6 साल से मजदूरों के हिस्से के जो बोनस आपने नहीं दिए हैं वो 5,92,000 रुपया उन्हें दे दिया जाए।
5,92,000। मैं वक्त आ गया है, उनको बताना पड़ेगा इस मिल का मालिक कौन है, मैं या वो। फॉरन मिल में नोटिस लगा दो कि जो मजदूर भी इस यूनिट में शामिल होगा उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा, अब कमला के लगन में देर मत करना और जितनी भी जल्दी हो सके कोई भी मुहूर्त का दिन तय कर देना। रतन भैया, रतन भैया, मतलब हो गया। क्या हुआ? देश में मिल में नोटिस लगा दिया है कि जो लोग यूनियन में शामिल होंगे वो नौकरी से निकाले जाएंगे, और बड़े भैया भी मजदूरों से यूनियन तोड़ देने को कह रहे हैं। मजदूर इस पर बहुत भड़के हुए हैं, वहां फसाद हो जाएगा। रतन भैया तुम जल्दी चलो। मैं सुनने वाली से नहीं डरता। अरे मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। वो जो तुम्हारा लीडर बना फिरता है ना, मेरा ही तो भाई है। मैंने उससे भी 1,000 दफे कहा है कि जो तुम कर रहे हो बहुत बुरा कर रहे हो, बहुत बुरा। तुम हमारे रतन भैया की बात मत करो। क्यों ना करूं? क्या वो कोई ऊपर से उतरा है? जैसा वो ना समझ है वैसे तुम मूर्ख हो सबके सब। जैसे तुम्हें अपनी हर बात कहने का हक है, वैसे उन्हें भी अपनी हर बात कहने का हक है, और इस बात से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरे भैया पुराने आज जमाने के उन सच्चे और ईमानदार आदमियों में थे जो दुनिया भर को सच्चा और ईमानदार समझते हैं, और इसलिए उनको सेठ जी की बेईमानी नहीं दिखाई देती। वो समझते हैं कि हम मालिक हमारे माई बाप हैं, और हम मजदूरों को उनके साथ बच्चों की तरह शांति और प्यार से रहना चाहिए, और ये बात ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। सिर्फ हमारे चाहने से क्या होता है जब सेठ जी हमें अपनी औलाद की तरह नहीं चाहते? हमने देख लिया उनको हमसे मोहब्बत नहीं है, उनको अपने रुपए से मोहब्बत। हाँ हाँ, तुम मजदूरों का धन लूट लूट कर ही तो सेठ जी ने सोने का महल बना लिया है ना, और ये अपनी आंखों से देख कर आया है। मैं पूछता हूँ, सेठ जी ने जो कहा है कि यूनियन तोड़ दो या नौकरी से निकाल दिए जाओगे, उसके बारे में तुम्हारा लीडर क्या कहता? जो लोग हमें यूनियन तोड़ देने को कहते हैं वो यूनियन का मतलब ही गलत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि यूनियन सिर्फ इसलिए है कि मजदूरों से ये कहकर तुम अपना काम मत करो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आज का मजदूर जाग उठा है, उसे अपनी बेपनाह ताकत पर पता चल गया है, और वो ये बात कभी कबूल नहीं करेगा। आज का मजदूर काम के लिए अपनी जान तक लड़ाने को तैयार है, मगर उस काम के बदले में वो इंसानों की तरह जीने का अधिकार मांगता है। उसी अधिकार की रक्षा के लिए ये यूनियन बनाई गई है, और ये यूनियन मजदूरों की जिंदगी है। हम मर जाएंगे लेकिन यूनियन नहीं तोड़ेंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। करते रहो यूनियन जिंदाबाद। इस यूनियन जिंदाबाद के झगड़े में सबकी नौकरी चली जाएगी। मैं कहता हूँ टुकड़े टुकड़े को तरसोगे, भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाएंगे परवाह नहीं, मगर जुल्म नहीं करेंगे। हम आपसे हड़ताल करते हैं। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, ये जोश का वक्त नहीं है, हमारे इम्तिहान का वक्त है। इस वक्त हमें हर बात सोच समझ कर पूरी जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। हमें सेठ जी के पास जाना चाहिए, उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि सेठ जी जो आप कर रहे हैं वो नाजायज है, आप अपना हुक्म वापस ले लें। तो आप लोग शांति से अपने अपने घरों को जाएं, मैं आज ही उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। सेठ जी, नमस्ते। सेठ जी, रतन राय, क्यों आए हो, क्या काम? सेठ जी, मैं मजदूरों की तरफ से आपके साथ समझौते की बात करने आया हूँ। समझौते की बात करने आए हो? तो सबसे पहले अपनी यूनियन खत्म करो, फिर समझौता बात करना। इस तरह बदला लेने का रवैया आपको शोभा नहीं देता सेठ जी। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ आप इसे छोड़ दीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता। आपने यूनियन में शामिल होने वाले तमाम मजदूरों को नौकरी से निकाल देने की धमकी दी है, और ये बात गलत है, आप जानते हैं ये बात गलत है। और सेठ जी, अगर एक मजदूर भी इस गलत तरीके से अपनी मुलाजमत से निकाल दिया गया तो सारे मजदूर मिलकर इस मिल में हड़ताल कर देंगे। सेठ जी, हड़ताल? तुम मुझे हड़ताल की धमकी देने हैं? तो चले जाओ यहां से, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए वक्त नहीं है, मेरे वकील तुमसे बात करेगा। सेठ जी, ठीक है, आपका तो वकील बात करेगा, लेकिन मजदूर के पास ना तो वकीलों को देने के लिए पैसे हैं, और ना ही उस बेचारे के पास कचहरियों में जाकर मुकदमे लड़ने का वक्त है। सेठ जी, अगर वो बेचारा एक दिन काम पर नहीं जाता तो उस बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जलता, और जिस दिन चूल्हा नहीं जलता उसका पेट जलता है सेठ जी, उसकी आत्मा जलती है सेठ जी। भूख में घिरे हुए मजदूर के लिए हड़ताल करना कोई मजाक नहीं है सेठ जी। देखिए सेठ जी, जिस हड़ताल से ना हमको कोई फायदा है,
न उससे आपको कोई फायदा है, न उससे देश को कोई फायदा है। ऐसी हड़ताल पर आप हमें क्यों मजबूर करते हैं सेठ जी? देखो रतनलाल, जिस आदमी को मेरी मिल में हड़ताल करने का शौक है उसको जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, समझे? अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम अपना खून तक देने के लिए तैयार हैं सेठ जी। नमस्ते। साथियों, हमें जिंदा रहना है या मर जाना है, इस बात के फैसले का वक्त आ गया है। हमने देख लिया है कि सेठ जी के दिल पर हमारी फरियाद का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि ये मुट्ठी भर भूखे और नंगे मजदूर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम गरीब हैं ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि हमारी मजबूरी और हमारी बर्दाश्त की तमाम हदें खत्म हो चुकी हैं, और ये ऐलान है इसी बात का। हम सब की तरफ से ये आखिरी नोटिस है जो सेठ जी को आज भेजा जाएगा, और अगर उन्होंने इस नोटिस को भी ठुकरा दिया तो कल सुबह 10 बजे हम सब मजदूर इसी जगह इकट्ठे होंगे। कल सुबह 10 बजे से हम मजदूरों की हड़ताल शुरू होगी। सुनो रे भैया, हम लाए हैं एक खबर मस्तानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। अरे नानी, ओ नानी। सुनो रे भैया, हम लाए हैं एक खबर मस्तानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। अरे नानी, अरे नानी, ओ नानी। बहुत दिनों तक माल उड़ाया, उल्लू हमें बनाया, चुपके चुपके गप गपा गप, चुपके चुपके गप गपा गप, बैठ के हलवा खाया गपा गप गपा गप गपा गप, बैठ के हलवा खाया। अरे अब तो खुलेगी बेटा जी की सारी बेईमानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। अरे नानी, अरे नानी, ओ नानी। कह दो दौलत के अंधों से करे न हमसे झगड़ा, बड़ों बड़ों के सर पे पड़ता समय का जूता तगड़ा, पड़ता वो पड़ता वो पड़ता समय का जूता तगड़ा। नहीं चलेगी यहाँ किसी भी लुच्चे की शैतानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। हर नानी, हर नानी, ओ नानी। सुनो रे भैया, हम लाए हैं एक खबर मस्तानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। हर नानी, हर नानी, ओ नानी। गुड मॉर्निंग सर। अरे नंदू, तू यहाँ क्या कर रहा है? करे देखिए सेठ जी, अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो इज्जत से बात कीजिए, वरना जवाब देना हम भी जानते हैं। तू मुझे तमीज सिखाने आया है? जरूरत हो तो सिखा भी सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे टाइम नहीं है। मैं ये नोटिस देने के लिए आया हूँ। क्या है? स्ट्राइक का नोटिस। स्ट्राइक? यस, स्ट्राइक यानी कि हड़ताल। हड़ताल करेंगे? नमक हराम कहेंगे? हाँ सेठ जी, इस तरह के आड़े टेढ़े अल्फाज बोलना नहीं समझे, कट कर दीजिए। इसलिए कि आजकल जमाना बदल गया है, मजदूर को गाली देना आजकल महंगा पड़ जाता है, और कोई बात नहीं। निकल जा, हड़ताल का बच्चा, दे दो अपना नोटिस। सेठ जी, जिस तरह इसे फेंका है इसी तरह अगर नोट फेंक देते तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता है। माफ कीजिए, जरा पेंसिल उठा लो।
हाँ तो मैं ये कह रहा था कि सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता, लेकिन आपने लिफाफा फेंक कर तकलीफ डबल मोल ले लिए। गुड नहीं। अरे माँ देख लिया तूने, सबका बेड़ा गर्क कर दिया है तेरे लाडले ने। अरे सबकी रोजी बंद करा दिया उसने। क्या किया है उसने? अरे उसने नोटिस दे दिया है, नोटिस सेठ को हड़ताल का नोटिस दे दिया, हड़ताल का। जानती है उसका नतीजा क्या होगा? सेठ फौज बुलवाकर गोली चलवा देगा। गोली क्यों चलवाएगा? गोली इस मेल को बेचारा दिन रात पसीना बहाकर उसकी मिल चलाते हैं, इसलिए वो अपनी मेहनत का हक मांगते हैं। देखा तुम भी हो गई ना उसकी तरफ? मैं किसी की तरफ नहीं, सिर्फ इंसाफ की तरफ हूँ। गृहस्थी के माया ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया है रामलाल, इसीलिए तुझे दिखाई नहीं देता कि रतन हमेशा इंसाफ की बात करता है। तुम क्या समझो इंसाफ को माँ? कल जब पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी तो कोई उसकी तरफ नहीं होगा, वो गोली से उड़ा दिया जाएगा। गोली से? गोली से उड़ा दिया जाएगा? क्यों उसे क्यों उड़ाएंगे? उसे कहो मुझे उड़ा दे पहले गोली से, क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया है। मैं उसकी माँ हूँ, उससे पहले मैं मरूंगी। मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। कनाडा साहब, अरे भाई तुम लोग क्या सो रहे हो? कल हमारे मजदूर तमाम हड़ताल करने वाले हैं, कुछ जलूस वलूस की तैयारी कर रहे हैं, अगर कहीं बलवा हो गया तो। आप फिक्र न कीजिए सेठ जी, मैंने कल के लिए सारा बंदोबस्त कर दिया। बंदोबस्त की क्या जरूरत है? उस रतन लाल को हवालात में बंद कर दो, बाकी सब अपने आप झाग की तरह बैठ जाएंगे। रतन लाल को गिरफ्तार कर लो? ये कैसे हो सकता है? कानूनी तौर पे कानून वानून क्या, किसी भी इल्जाम में पकड़ के उसको अंदर बंद कर दो बस। माफ कीजिए सेठ साहब, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। कानून के खिलाफ नहीं जा सकते? आजकल पुलिस वाले बिल्कुल बेकार हो गए। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ जो तुम्हारे सारे पापों की सजा दे सके तुम्हें, जो तुम्हें उनका प्रायश्चित करने पर मजबूर कर दे। बोलो क्या मंजूर है, मौत या प्रायश्चित? तुम्हें क्या चाहिए, मैं क्या करूं? रुपया चाहिए तुम? मुझे तुम्हारे रुपये रुपये नहीं चाहिए, तुम्हें सारे संसार के सामने खुले बंदों अपने पाप कबूल करने होंगे, अपनी करतूतों के लिए अपने मजदूरों से माफी मांगकर उनकी मांगें पूरी करनी होंगी, और मिल का सारा इंतजाम मजदूरों के हवाले करके खुद बाहर निकल जाना होगा। बोलो मंजूर है? अब कहो तुम अपनी शर्त। तुम? हाँ मैं तुम्हारे पाप का जीता जागता नमूना। मंजू मेरी बेटी। बेटी मत कहो मुझे, तुम्हारी इन्हीं मीठे लफ्जों की जाल में फंसकर मेरी माँ जिंदगी भर सहकते सहकते मर गई। मर गई? मरी नहीं, वो मार डाली गई। तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारी मीठी बातों के धोखे ने उसे मार डाला। तेरे लिए नाग ये देख, यही है तुम्हारे पाप का सबूत। तुम ठीक कहती हो मंजू, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को धोखा दिया, तुम्हें धोखा दिया, और उन गरीब मजदूरों को जिन्होंने अपना खून और पसीना मेरे लिए किया है, उनको भी रुपए के लालच में धोखा दिया। इसका प्रायश्चित कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि जो कुछ मैंने उन गरीबों का खून चूस के पैदा किया है इसी वक्त वापस कर सकता हूँ। ये क्या पागलपन कर रहे हो सेवकराम? जानते हो जब तक ये दौलत तुम्हारे पास है सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, ये दौलत तुम्हारे हाथ से चली जाएगी तो तुम दो कौड़ी के आदमी रह जाओगे। सोचते क्या हो? मेरी बात सुनो, इस माया मोह के जाल से फंसकर अपने आप को बर्बाद न करो। इस लड़की की माँ तो खत्म हो चुकी है, इसको भी अपने राम से झाड़ दो, ताकि सारी दुनिया को ये सच्चाई मालूम न हो सके कि ये तुम्हारी बेटी है। जरा अकल से काम लो। कौन है? गुर्गा
के दरवाजे पे मर गया है। कौन पागल लड़की मेरे कमरे में घुस आई है? निकालो उसको फौरन। निकल बाहर। आधी रात को घर में घुसकर गड़बड़ करती है, निकल बाहर। बंदूक उठाती है, निकल निकल बाहर। कल सुबह हमारी हड़ताल शुरू हो गई। इस वक्त मजदूरों के दिल में, तमाम मजदूरों के दिल में सेठ जी के खिलाफ इतना गुस्सा भरा हुआ है कि मुझे डर है कोई मजदूर जोश में आकर इस मिल का नुकसान न कर दे। इसलिए आज पूरी रात हम सबको बहुत होशियारी से रहना होगा, इस मिल के चारों तरफ पहरा देना होगा, समझे कुंदन? क्योंकि मेरी माँ की हालत अच्छी नहीं है, मैं उसको देख कर भी आता हूँ। अच्छा जी, अच्छा। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तुम अपने आदर्शों के लिए पागल हो, सेठ जी अपने दौलत के लिए पागल है, और मैं इस दौलत से पर चलने के लिए पागल हूँ। मंजू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मंजू, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलो, अब मेरे लिए संसार में कोई जगह नहीं रही, माँ का घर नहीं रहा। बाप ने धक्के देकर घर से निकाल दी। कैसी हो तुम? उस पापी ने जो आज मेरी माँ के जीवन में लगाई है, उस आग में मेरा जीवन, मेरा घर बार, मेरे सब कुछ जल गया है, और उसे आज मैं मेरे जालिम की मिल उसका सब कुछ जला दूंगी। मंजू, मैं अपनी माँ का बदला लूंगी, मैं अपनी माँ का बदला लूंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। मंजू, मंजू, क्या हो गया तुम्हें? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मंजू, ये मेरे हजारों गरीबों की माँ है, उनके बच्चों की रोजी है, अपने क्रोध के लिए इसे बर्बाद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। हाँ, मुझे अधिकार है, मुझे अधिकार है। मंजू, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। माँ, क्या क्या उसे पकड़ लिया? हाँ, हथकड़ियाँ डाल के ले गए उसे। ले गए मेरे बच्चे को, रतन, रतन। देखते क्या हो,
किसी तरह रतन को ले आओ, नहीं तो माँ उसके लिए तड़पती हुई चली जाएगी। मेरी माँ मर रही है सेठ जी, मेरी माँ, उसे एक बार अपने रतन को देख लेने दी। मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी लड़कों की जायदाद को आग लगाए और मैं उसे रिहा करा दूं। ये झूठ है सेठ जी, ये झूठ है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा रतन ऐसे कभी नहीं सकता। मैं सच कहता हूँ, आपसे किसी ने झूठ कहा। सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। ऐसा पत्थर दिल ना करो सेठ जी, अगर मेरी माँ उसे देखे बिना मर गई तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। सेठ जी, मैंने 20 वर्ष तक वफादारी से आपकी खिदमत की है, उसके बदले में सिर्फ इतना मांगता हूँ सेठ जी कि मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। मैं मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं बैठा। ये ठोकर तूने मुझे नहीं लगाई सेठ, मेरी वफादारी को लगाई है। इस ठोकर से तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज मुझे तेरा असली रूप दिखाई दे रहा है। अब मुझे इस बात का भी विश्वास हो गया है कि रतन बेगुनाह था। तूने उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया है। रतन ठीक कहता था, तू कमीना है, तू दगाबाज है, तू जहरीला नाक है। क्या बदतमीजी रामलाल, अरे कोई है दरबान? दरबान क्या करेगा सेठ, मैं रतन नहीं जो शांति से काम लूं। मैं रामलाल हूँ रामलाल, मैं जहीन न ककल अपने हाथ से तेरे दिन पूरे हो चुके हैं। बेगुनाह का खून चूसने वाले, तेरा दिन साफ होगा। खामोश। योर ऑनर, मुलजिम रतन लाल वल्ल दीनानाथ सर्वानंद मिल्स में काम करता है और वहां की मजदूर यूनियन का लीडर भी है। इसीलिए सेठ सेवक राम मालिक सर्वानंद मिल्स और मुलजिम के दरमियान दुश्मनी पैदा हो चुकी है। चुनाचे इसी दुश्मनी की बिना पर अपने मालिक को नुकसान पहुंचाने की नीयत से मुर्रखा 7 जुलाई मंगलवार को रात के 10:15 बजे मुलजिम ने एक जलती हुई मशाल लेकर सर्वानंद मिल्स को आग लगाने की कोशिश की। ये मुकदमा देर दफा 436 और 511 ताजीरात हिंद अदालत के सामने पेश किया जाता है। मुलजिम रतनलाल, क्या तुम इकबाल जुर्म करते हो? जी नहीं, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। इस तगासा के गवाह पेश किया जाए। सेठ सेवक राम मालिक सर्वानंद मिल। मेरे साथ कहिए, मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूँ। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूँ। जो कहूंगा सच कहूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा। और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सेठ सेवक राम, सर्वानंद मिल्स के आप मालिक हैं? जी हाँ। आप मुलजिम के बारे में क्या जानते हैं? मुलजिम मेरे मिल में एक मैकेनिक है और मेरे मिल के तमाम मजदूरों को मेरे खिलाफ भड़काता है। मुलजिम ने जब आपकी मिल को आग लगाने की कोशिश की, क्या आपने अपनी आंखों से मुलजिम को ऐसा करते देखा? जी हाँ। थैंक यू। जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, रतनलाल एक मशाल के साथ मिल को आग लगाने की कोशिश कर रहा था। जिस वक्त मैंने मुलजिम को गिरफ्तार किया, यही मशाल उसके हाथ में थी। जिस वक्त मशाल मुलजिम के हाथ में थी, क्या उस वक्त मशाल जल रही थी? जी हाँ, बिल्कुल जल रही। आपने जब मुलजिम को गिरफ्तार किया तब क्या वक्त था? रात के 10:15 बजे। कितने बजे मुलजिम तुम लोगों से अलग हुआ? रात के 10 बजे। क्या ये सच है कि जाते वक्त मुलजिम तुम लोगों से ये कहकर गया कि वो अपनी बीमार माँ को देखने जा रहा है? जी हाँ। क्या तुम मुलजिम रतनलाल के बड़े भाई हो? जी। मुलजिम रतनलाल उस रात 10 और 10:15 बजे के दरमियान अपनी बीमार माँ को देखने घर पर आया था? जी नहीं। थैंक यू। नाउ योर ऑनर, मैं अदालत की इजाजत से मुलजिम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मिस्टर रतनलाल, अब जबकि तुम्हारे अपने साथियों की शहादत से तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है कि रात के 10 बजे तुम अपने साथियों से ये बहाना करके अलग हुए कि तुम अपनी बीमार माँ को देखने जा रहे हो, मगर हकीकत में तुम अपने घर नहीं गए बल्कि एक जलती हुई मशाल लेकर आग लगाने की नीयत से मिल के पिछले अहाते में दाखिल हुए, जहां 10:15 बजे ऐन मौके पर तुम गिरफ्तार कर लिए गए। इन वाकयात की रोशनी में
क्या तुम अब इकबाले जुर्म करने को तैयार हो? जी नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। तुम झूठ बोलते। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है वकील साहब। योर ऑनर, मैं इन अल्फाज के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ एहतजाज करता हूँ। मैं अदालत से पूछता हूँ कि जो माँ अपने बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाकर जिंदा रखती हो, क्या वो बच्चा उसी माँ के सीने में खंजर भोंक सकता है? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कोई मजदूर भी अपनी मिल को आग नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मिल हमारी माँ, हम अपनी माँ के सहारे जिंदा हैं। यो मिस्टर रतनलाल, अदालत ये जानना चाहती है कि गिरफ्तारी के वक्त तुम्हारे हाथ में एक जलती हुई मशाल थी? क्या थी? ये मशाल तुम्हारे हाथ में कहां से और क्यों आई? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सकती? अदालत ये वादे कर देना चाहती है कि जो जुर्म तुम पर आयद किया गया है उसके लिए कानून तुम्हें 7 बरस कैद की सजा दे सकता है, इसलिए तुम्हें अपनी सफाइश पेश करने का यही मौका है। बताओ, वो जलती हुई मशाल तुम्हारे हाथ में कैसे और क्यों आई? रतन, रतन बोलता क्यों नहीं? रतन कुछ तो बोल, रतन क्या हुआ? सब कुछ बताता क्यों नहीं रतन? ऑर्डर ऑर्डर। रतन तेरा भाई तेरे पाँव पड़ता है। रतन रतन अभी भी बोल दे रतन, वक्त है। 10 साल मेरे भाई बेगुनाह। रतन कुछ बोल रतन। रतन तू बोलता क्यों नहीं? अपने भाई की हालत पर तरस कर, घर पे बच्चे तेरे बगैर रो रहे हैं, उन पर ही कुछ दया कर। बोल रतन बोल, मैं तेरे पाँव पड़ती। नहीं भाभी, ऐसा मत करो। माँ चली गई है, अब तुम मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ भी हो। तुम्हें सूचे नाते की कसम है भाभी, तुम सच सच बताओ, क्या एक औरत के पास उसकी इज्जत से बढ़कर भी कोई चीज है? तो फिर सुनो, मेरी जबान खुलने से एक ऐसी दर्दनाक कहानी से पर्दा उठ जाएगा भाभी कि जिससे एक मजलूम और बदनसीब औरत का सारा जीवन कलंकित हो जाएगा। क्या मैं अपने हाथों उस मासूम को बदनामी और रसवाई की आग में धकेल दूं? क्या मैं ऐसा करूं भाभी? बताओ मैं क्या ऐसा करूं? वो निर्दोष है, उसने आग नहीं लगाई, आग मैंने लगाई है। मुझे सजा दिलाओ, उसने गुनाह से क्यों जेल जा रही हूं? बेवकूफ ना बोलो, मैं फिर कह रहा हूं, मुंह मांगी दौलत दूंगा, हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ ताकि सच बताने वाला कोई नहीं और तुम आसानी से रतन को जेल भेज सको। मैं मर जाऊंगी मगर यहां से नहीं जाऊंगी। अच्छी बात है, तो पड़े आओ। लड़की को छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं वो जो यहाँ के रईस आजम सर्वानंद मिल्स के मालिक सेठ सेवकराम बैठे हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। झूठ, सरासर झूठ। हुजूर ये कोई पागल लड़की है, एकदम झूठ बोल रही है। ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है और उसकी सच्चाई का सबूत ये है। मालती, अदालत के सामने जो नई शहादतें पेश की गई हैं, उनकी रोशनी में यह पूरी तरह साबित हो गया है कि मुल्जिम बेगुनाह है। चुनांचे ये अदालत मुल्जिम को बाइज्जत बरी। हार गए सेवाग्राम, तुम हार गए। तुम्हारे पाप का भांडा फूट गया। भाग जाओ तुम दुनिया की नजरों से, भाग जाओ। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं।
मुझे तुमने क्यों बचा लिया? मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मेरे जैसे आदमी का खत्म हो जाना ही अच्छा था। सेठ जी, किसी इंसान का भी खत्म होना अच्छा नहीं है। खत्म तो होनी चाहिए उसकी बुराई, उसका छोटापन, उसकी खुदगर्जी। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं सेठ जी कि हमारा और आपका अमीर या गरीब का रिश्ता ना रहे, मालिक या मजदूर का रिश्ता ना है, बल्कि हम दोनों के दरमियान एक इंसान और इंसान का रिश्ता कायम हो। हम ये चाहते हैं। अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम।